हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे छोले। छोले हर एक पार्टी में सबसे मेन डिश होती है और किसी भी पार्टी में छोले के बिना वो पार्टी पूरी नहीं होती है। और इसे भटूरों के साथ, चावल के साथ या नान के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। नान की रेसिपी मैंने पहले बता रखी है, आप चाहें तो उसे ट्राई कर सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। ये हमने 2 कप छोले लिए हैं मीडियम साइज के। इन्हें ओवरनाइट हमने भिगो दिया था और इसे प्रेशर कुकर में डाल के थोड़ा पानी डाल के रखा है। और इसके में हम नमक डाल देंगे और इसको प्रेशर कुक कर लेंगे छोलों के गलने तक। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे 3 से 4 चम्मच। सरसों का तेल हमें अच्छे से गर्म करना है। अब इसमें 1/4 चम्मच हमने हींग डाली है, 2 तेज पत्ते और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं। ये इलायची है, इलायची के बीज निकाल के पीस लिए हैं। अजवाइन, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, लौंग और 2-3 छोटी इलायची। छोलों में बड़ी इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर डालें, इसे मिस ना करें। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज की प्याज काट के डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसे भूनने में हमें 3 से 4 मिनट लगेगा। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट को तब तक भूनेंगे तब तक कि इसकी स्मेल ना चली जाए। इसमें हल्दी डालिए और थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाले लग ना जाए नीचे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। 2 चम्मच छोले मसाले, धनिया और मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। धनिया हमने 1 चम्मच लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये तेल सेपरेट ना कर दे। ये देखिए, ये अच्छे से भुनने लगा है। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। सब्जी में उसका स्वाद तभी आता है जब मसाले अच्छे से भुन चुके हो। तो अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देते हैं। 2 टमाटर हमने पीस के लिए हैं। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। और टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे। टमाटर को भूनने में हमें 4 से 5 मिनट लगेगा। टमाटर कच्चे रहेंगे तो इसका फ्लेवर भी उसमें आएगा, इसलिए टमाटर को अच्छे से भूनेंगे ताकि कच्चा फ्लेवर ना आए। ये देखिए, ये अच्छा से मसाला भूनने लगा है। इसे 5 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें छोले डालेंगे। छोले का पानी अभी नहीं डालेंगे। छोलों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। दो से तीन मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम छोलों में पानी डालेंगे। हमें वही पानी इस्तेमाल करना है जिसमें जो कि हमने छोलों को बॉईल करने के लिए लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। सात से आठ मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये इतना पानी भी रिड्यूस हो गया है और हमारे छोले लगभग बन के तैयार हैं। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएंगे। छोले बिल्कुल तैयार हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं।
तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।